हाउ आर यू ऑल, माई सेल्फ अंकित, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट MAMC। आई नो बैकग्राउंड चेंज्ड है, ठीक है। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हॉस्टल के रूम से कर रहा हूँ, ठीक है। पहले वो वीडियो आती थी वो मैं घर पे रिकॉर्ड करता था, घर से रिकॉर्ड करता था, ठीक है। अभी मौका मिला तो सोचा हॉस्टल में बना दूँ। आई नो हमारा हॉस्टल अभी चेंज हुआ है तो थोड़ा सा मतलब डेकोरेशन वगैरह करना बाकी है। कभी बनाएंगे, रूम टूर भी दिखाएंगे आपको, MMC के रूम कैसे होते हैं, क्या आपको मतलब फर्स्ट ईयर में भी क्या होना ना, हमारे जूनियर आ रहे हैं 23 बैच आ रहा है, तो हमें शिफ्ट करना पड़ा है तो हमारे रूम को, तो थोड़े सा डेकोरेशन वगैरह का काम अभी करेंगे, मतलब अपकमिंग डेज में अभी शिफ्ट किया हमने। तो इन दिस वीडियो क्या बात करेंगे कि भाई अभी देखो अगस्त मतलब मिड अगस्त है, ठीक है, मतलब 10 ही हुए अभी, तो हम देखेंगे कि भाई आप मई तक ना कैसे 700 को टच कर सकते हो। देखिए अब अगर हम 700 के लिए ट्राई करेंगे ना तब जाके हमारे 620-630 आ पाएंगे, बिलीव मी, लिटरली बता रहा हूँ आपको। जो बच्चा बोल रहे हो 720 कैसे आते हैं भैया, वो 720 वाला 800 के लिए ट्राई करता है। 800 कैसे कि भैया अगर बाई चांस मुझे एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे ना तो मैं कर दूंगा, मतलब ऐसा टाइम वगैरह मैनेज करके चलता वो बंदा, या एक्स्ट्रा ऐसा कॉन्सेप्ट बना के चलता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी आएगा मेरे पास तो मैं उनको भी टैकल कर लूँगा। तो अगर आपको भी सच में 720 टच करना है तो आपको 800 के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि 630-640 टच कर लूँ मैं तो 700 के लिए ट्राई करूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर 720 इन दिस रिमेनिंग टाइम, मतलब टाइम अभी देखिए बोलने का तो टाइम कम है, और बीइंग मतलब मैंने क्रैक किया एग्जाम को, अगर मैं बताऊँ टाइम कितना है तो मैं बोलूँगा टाइम प्लेंटीफुल है, ठीक है। इसमें आप इतना कर सकते हो कि आप अगर जीरो हो तो आप हीरो बन सकते हो, और टाइम अगर आप देखोगे कि कम है तो वही बात, आप अगर हीरो भी हो तो भी आप जीरो बन जाओगे ये बोल के कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जो आपको आता है आप वो भी नहीं करोगे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। देखिए अभी हम आपको देखेंगे तो माँ बाप के पास हार्डली 9 मंथ्स आपके पास, ठीक है, एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है तो 9 मंथ्स हैं। तो 9 मंथ्स में आप क्या कर सकते हो, पहली बात अगर आप 12th में हो या आप रिपीट कर रहे हो बट आपने 12th में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर। सिलेबस ऐसे नहीं करने उड़ाना आप कि भाई बस मोशन इन 1D देखा, एक दो वीडियो देखी बस हो गया मुझे आता है, काइनेमेटिक्स की वीडियो देखी होता है मुझे आता है, एनिमल किंगडम की दो वीडियोस देखी ये तो याद करने का, ये तो मैं कर लूँगा ये वो, मतलब आपको मास्टर नहीं बनना है अभी इस टाइम पे, ठीक है। मास्टर आपको बनना है कब, एंड में, कि भाई अब मुझे सब आता है, उस टाइम पे मास्टर बोलने में आपको फ़ायदा होगा। अभी आपको क्या स्टूडेंट बनना है, बिलीव में आपको स्टूडेंट बनना है, और आप स्टूडेंट ही हो, ठीक है। तो क्या है ना, अगर आपने एक बार भी सिलेबस नहीं किया, या तो आप 12th में हो या आपने रिपीट कर रहे हो या आप कितने भी रिपीट्स हैं और आपने एक बार भी सिलेबस अच्छे से नहीं किया है, तो बिलीव में एक बार आप सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिए। टाइम बहुत है, मैं बोल रहा हूँ टाइम बहुत है, आपको टाइम की शॉर्टेज लगेगी ना, जो अगर आप मुझे फॉलो करेंगे और आप एंड में मुझे बोलना कि भाई आपने ऐसे बोला था कि टाइम तो बहुत मिलेगा पहले सिलेबस कर लो, बट टाइम तो अभी मिला नहीं, तो मेरे पास आना मैं बताऊंगा कि तुमने कहाँ गलती करी थी, ठीक है। तो पहली बात, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो थोरली कंप्लीट करो, एक एक पॉइंट को कवर करो, ऐसा नहीं कि ये तो आएगा नहीं, ये तो टॉपर्स लोग के लिए है, रोटेशन तो करना ही नहीं है, छोड़ देता हूँ, सिलेबस पूरा करो पहले सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो सिलेबस पे फोकस करना मतलब मेनली आपको अभी सबसे पहली बात जो आती है, एक भी मतलब अगर आप ड्रॉपर हो तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वीडियोस देखो, चाहे उनको आप मतलब आपको ऐसा होता है ना कि मेरे को तो हर चीज़ मतलब यहाँ पे फिक्स हो रही है, पहली बात एग्ज़ाम निकलना चाहिए था, अगर फिक्स है तो नहीं निकला ना, तो कुछ ना कुछ कमी है आप में, ठीक है। और अगर दूसरी बात फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो आता है, तो 2x पे देख लो, हर ऐप में आज के टाइम पे फीचर डाल रखा है सब इंस्टीट्यूट ने कि 2x 1.75x 1.5x, उस पर देख लो, लेकिन देखो इससे क्या होगा ना, आपको रिकॉल होगी चीज़ें, आप उनको मतलब मेमोराइज करोगे माइंड के दूसरे, ब्रेन के दूसरे सेंटर में वो चीज़ें जाएंगे एज अ फोटोग्राफ, ठीक है। आपको पता होगा, आप अभी MBBS में आओगे तो आपको पता चलेगा ब्रेन में क्या क्या कौन से सेंटर में फोटोज जाते हैं, कौन से सेंटर में सेंटेंस जाते हैं, ठीक है, तो आप पढ़ोगे आगे जाके, तो आपके वो फोटोग्राफ्स जो है ना ब्रेन के कोने में जाके सेव हो जाएंगी, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के टाइम पे। वैसे दूसरे पॉइंट पे, दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। आपको ना क्या करना है ना, टारगेट बना लो एक तो पक्का कि भाई पर चैप्टर से मुझे बायोलॉजी में तो 500 क्वेश्चन करने ही करने हैं, चाहे वो छोटा सा चैप्टर हो, छोटा सा चैप्टर हो जाए, लाइक अब देखो यार लिविंग द वर्ल्ड में कितने चैप्टर क्वेश्चन बनेंगे, आपको हार्डली 100 क्वेश्चन ही बनेंगे, तो उस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एनिमल किंगडम हो गया, आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स हो गया, ऐसे ऐसे मतलब मेजर चैप्टर जो है ना उसमें 500 से नीचे तो बात ही नहीं करनी आपको, कि 500 क्वेश्चन तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर बात करें बायोलॉजी की तो वो है 500 क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। अगर बात करें केमिस्ट्री की, उसमें 300 क्वेश्चन पर चैप्टर होने ही होने चाहिए आपको। ये अपना ये नंबर बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे कि क्या 500 क्वेश्चन,
300 क्वेश्चन, ऐसे थोड़े ना होता है, इतने इतने क्वेश्चन थोड़े ना लगाते हैं, बिलीव मी। इतने क्वेश्चन लगाने के बाद ना आपको आप पाओगे कि कोई क्वेश्चन है ही नहीं, कोई लाइन एनसीईआरटी की बची ही नहीं है जिससे आप क्वेश्चन बना सकते एग्जामिनर। और अभी देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मोस्टली, ठीक है, ट्रेंड रिपीट हो रहा है। तो आपको पेपर में चीज़ें हेल्प करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे ना उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको हेल्पफुल करेंगी। तो कितना, 500 इन बायोलॉजी, 300 इन एनाटॉमी। अब बात करते हैं फिजिक्स की, तो सबसे डेयरिंग सब्जेक्ट है वो, तो मतलब ऐसे खौफनाक सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या बोलूँगा ना मैं, मिनिमम 500, इससे मैक्सिमम आप कितना चले जाओ आपकी अच्छी है, आपकी रैंक को डिसाइड करेगी वो चीज़ें। ठीक है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो है ना वो रैंक बनाती है आपकी, और रैंक से ही सब, मतलब रैंक का ही सारा पंगा भी तो देख रहे हो आप। रैंक जिसकी अच्छी है उसको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, रैंक जिसकी ख़राब है उसको खराब कॉलेज मिल रहा है। हालांकि कॉलेज कोई ख़राब नहीं होता, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो वो मतलब इट्स ओके, वो ही आपके लिए एम्स है, वही आपके लिए एमएमसी है, वो आपके लिए पीएमएमसी है। ठीक है, तो बात करें फिजिक्स की, 500 तो मिनिमम है, इससे ऊपर आप कितने भी चले जाओ। आप पूछोगे कि भैया क्वेश्चन बुक कौन से लगाएं, तो बुक्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट की, कौन सी बुक ये, मतलब ये बुक मस्ट है और ये बुक आपके लिए जो है ऐसा ऑप्शनल है, लगाओ तो अच्छी बात है, ना लगाओ तो कोई मतलब लॉस नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये रही क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 500 इन बायोलॉजी, 300 इन केमिस्ट्री एंड 500 इन फिजिक्स। इससे मतलब इससे कम तो जाना ही नहीं है, इससे ऊपर कितने भी चले जाओ आपकी रैंक अच्छी होगी। अब बात करते हैं तीसरी चीज़, दैट इज़ टेस्ट सीरीज। अभी से मतलब बच्चे देखे हैं मैंने, भैया अभी तो सिलेबस नहीं हुआ है, अभी टेस्ट नहीं देता हूँ। ठीक है, सिलेबस हो जाएगा ना, मतलब एक मेजर सा सिलेबस हो जाएगा, मेजर लाइक भाई टोटल मिला के ना 30-40 चैप्टर्स हो जाएंगे सिलेबस में, जब जाके टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगा। अभी तो भैया कोई फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे अच्छे से, ये वो, तो ज्ञान ही नहीं बनना। दोबारा बोला था, टीचर अभी नहीं बनना, टीचर एंड में बनना है, अभी स्टूडेंट हो। तो टेस्ट सीरीज़ को मस्ट है, 3 चैप्टर आ रहे हैं ना टेस्ट में, 2 उस टेस्ट को, क्या करोगे, 700 स्कोर करो ना। अगर 3 ही चैप्टर आ रहे हैं तो 700 स्कोर करो आपको। ठीक है, और ये चीज़ मैं बोलना चाहता था कि अभी से टेस्ट में ना 650 प्लस स्कोर करना है आपको। अभी क्यों ना, मतलब क्योंकि अभी सिलेबस भी कम आ रहा है, जैसे तो सिलेबस कम आ रहा है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो डेफिनेटली, क्यों नई क्वेश्चन तो बनाएगी नहीं, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी अभी कोई इंस्टीट्यूट आई थिंक नहीं जा रहा है। ठीक है, तो नई क्वेश्चन वो बनाएगी नहीं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप मतलब इजीली आप 650 प्लस, 640 प्लस, 630 प्लस कर सकते हो स्कोर। और उस स्कोर को फिर क्या है ना, मेंटेन रखना। ठीक है, 3 से 10 चैप्टर का टेस्ट होगा, 10 से 12 आएंगे, 12 से 20 आएंगे, 20 से 30 चैप्टर आएंगे, उस स्कोर को लेकिन आपको मेंटेन रखना, 650-640 प्लस तो मस्ट है मतलब। ठीक है, इससे नीचे तो मैं जाऊंगा नहीं। हाँ, ऊपर कितना भी चले जाओ, ऊपर तो वही बात है, स्काई इज द लिमिट। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज पे भी फोकस करना है, ये नहीं कि भाई इतना टेस्ट, इतना सिलेबस हो जाएगा तब टेस्ट दूंगा, इतना हो जाएगा। बच्चे देख रहे हैं मैं टेस्ट को मिस कर रहे हैं, एक दो इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज के रिजल्ट देखे मैंने, तो बच्चे टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी आपको। ठीक है, अभी से फॉलो करो टेस्ट को, लास्ट तक फॉलो करना, बिलीव में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये रहे टेस्ट सीरीज की बात। अब बात करते हैं, एक चीज़ और है जो कि मतलब बच्चे स्किप करते हैं, मैंने देखा एंड मोमेंट भी जाके ट्राई करते हैं उस चीज़ को, दैट इज़ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अभी से एक चैप्टर खत्म हुआ, एनिमल किंगडम खत्म हुआ है सपोज बायोलॉजी में आपका, जाओ मतलब मिनिमम 10 ईयर तो लगाने हैं, 15 ईयर आपकी मर्जी है, और इससे ऊपर जाना आपके लिए एडवांटेज है। ठीक है, तो मिनिमम 10 ईयर तो क्वेश्चन PYQ लगाने हैं, लेकिन कब लगाने हैं, जब चैप्टर पूरा हो जाए। क्योंकि क्या होना ना, अब 19 में क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट पेज से, 20 में क्वेश्चन आया है कौन से पेज से, लास्ट पेज से। अब आपने लास्ट तो पढ़ा नहीं है, अब आप बैठ के लगाने PYQ। अब बोल रहे हो मेरे से तो PYQ बन ही नहीं रहे, क्यों बनेंगे भाई, आपने सब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, आपने वो चीज़ ही नहीं पढ़ी अभी तक। तो कब लगाने PYQ, जब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जाओ उसके PYQ लगाओ, उसमें देखो आप एनालाइज करो मैंने क्या गलतियाँ करी है, मैंने क्या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, और क्या कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है इस एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर मतलब नीट के अंदर। ठीक है, और क्या चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है, या पढ़ी है तो मैंने किस तरीके से पढ़ी है, और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो वो चीज़ मतलब आपको फोकस करना है। एनसीईआरटी में देखना कि किस टॉपिक से एग्जाम में, तो आप पाओगे एनिमल किंगडम में एक दो टॉपिक ऐसे होंगे जहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब अगर आप बात करोगे माइक्रोब्स में, तो माइक्रोब्स में एक चैप्टर है, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में एक मतलब उसमें साइक्लोस्पोरिन वगैरह और स्टेटिन वगैरह कोलेसिस्टम आपके साइक्लोस्पोरिन वगैरह दे रखे, उसमें वहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उस चैप्टर को, उस पैराग्राफ को फोकस करो। ठीक है, सीवरेज उसमें ट्रीटमेंट में क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको फोकस करो। तो ऐसे तरीके से ना आपको PYQ फोकस करने की, PYQ में क्या चीज़ पूछी जा रही है, क्या चीज़ अनइम्पोर्टेंट तो कुछ होता ही नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ मोर इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने फिर फर्दर रिविजन डिसाइड करने की, कैसे मैंने रिवाइज करना है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज़ शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बच्चे अभी बनाएंगे नहीं, आखिरी में बोलेंगे भैया शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दो, किसी टॉपर के शॉर्ट नोट्स, उसके शॉर्ट नोट्स, इसके शॉर्ट नोट्स।
अभी से क्या करना है ना, खुद के एक चैप्टर किया आपने, PYQ लगाई, देखा कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। उसके बाद अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं इस वीडियो में ब्रीफली बता ही देता हूँ आपको। बायोलॉजी में कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है, NCERT को अच्छे से आपको हाईलाइट कर लो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है या यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई नया क्वेश्चन मिल रहा है उसको साइड में जो आपके बॉक्स होते हैं उसमें लिख लो, ठीक है। तो बायोलॉजी में दैट इज सफिशियंट। केमिस्ट्री की बात करें, आप केमिस्ट्री में कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप? इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम कोई जरूरत नहीं है, NCERT को बार बार मल्टीपल रीडिंग करो, हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, उसके लिए क्या करो ना, फॉर्मूलाज की लिस्ट बना लो, सारे फॉर्मूले उसके ऊपर लिखे होने चाहिए, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कि भाई इससे ये होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट है या एक्सेप्शन है कोई भी, वो चीज़ उस पर लिख लो। वो हो गया आपके फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक दैट इज मतलब स्कोरिंग केमिस्ट्री है, मतलब ठीक है, हार्डली किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत होता है। अगर आपकी नहीं है तो मैं बताऊंगा आगे किसी आपकी वीडियोज़ में कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो क्या करना है ना, उसके आपको नेम रिएक्शन तो मस्ट है, मतलब नेम रिएक्शन का तो आपको एक शीट्स बनानी ही है अच्छी सी, मतलब जिसमें पूरी नेम रिएक्शन हो A to Z। मैं कभी दिखाऊंगा आपको अपनी शॉर्ट मतलब शीट दिखाऊंगा मैं आपको मैंने कैसे बनाई थी, और ऐसे अगर आप बनाओगे तो आप भी डेफिनेटली MAMC में ही आओगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में क्या करना है, नेम रिएक्शन सबसे पहले। उसके बाद GOC की अगर आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कि कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, लेकिन इतने ऐसे जो काम नहीं आते हैं, बट चाहो तो लिख सकते हो, मतलब फॉर द बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। तो GOC के बनानी है अगर चाहो तो, लेकिन नेम रिएक्शन तो मस्ट है, उसके तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो GOC में आप ऐसे शॉर्ट नोट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अब बात करते हैं फिजिक्स की, कि उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और जिसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में आप एंड के टाइम पे पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाओगे, कि भाई पूरी 11th के पूरे 12th के चैप्टर आप उठा के बैठे हो और उसको रिवाइज कर रहे हो आप, क्योंकि डेफिनेटली इतना टाइम नहीं होगा। तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें सेम पहले सारे के सारे PYQ देखो, देखोगे कि भाई एक चैप्टर में एक पॉइंट में, मतलब एक चैप्टर में ना एक चीज़ पे बार बार क्वेश्चन आ रहे, तो उसके सबसे पहले तो उसके अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के लिखो, उस पर कॉन्सेप्ट लिखने, मार्क माई वर्ड, कॉन्सेप्ट लिखने, फॉर्मूलाज नहीं तो उसके कॉन्सेप्ट लिखो। उसके बाद बचे हुए जितने भी फॉर्मूले ना उस चैप्टर में सारे लिख दो, भले ही एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया सारे लिख दो लेकिन, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ ऐसे होंगे ना, क्योंकि अगर बाई चांस वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो वहाँ से आप स्किप नहीं कर पाओगे, मतलब उस क्वेश्चन को, तो वो आपसे बन जाएगा। तो सारे फॉर्मूले लिख लो उस शीट के ऊपर, ठीक है। तो ये बात थी फिजिक्स की, मतलब शीट्स बनानी है आपको, फॉर्मूला शीट्स बनानी है आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट्स बना लेना अपनी, एंड में रिवाइज अभी भी रिवाइज करते रहना, टेस्ट देने जा रहे हो उसको रिवाइज कर जाओ, खाली बैठे हुए फॉर्मूला शीट्स को देख लो, या शॉर्ट नोट्स जो भी आपने अभी तक बनाए होंगे उसको देख लो, ठीक है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट और सबसे एंड, मतलब इस वीडियो के इसके बाद हम एंड करेंगे, ठीक है, दैट इज़ मोटिवेशन। अभी आप नई नई फ्रेश स्टार्टमेंट करी है आपने, तो आपका मोटिवेशन यहाँ पे होगा बिल्कुल पीक लेवल पे, कि भाई मैं तो भैया आपका ही जूनियर बनूंगा, मैं और किसी कॉलेज में नहीं जा रहा, मैं तो एम्स दिल्ली आपका जूनियर में ही बनूंगा, मतलब या तो आपका जूनियर बनूंगा या मैं एम्स दिल्ली में जाऊंगा। तो उस मोटिवेशन को ना आखिरी तक मेंटेन करना, ये नहीं है कि अभी वो चीज़ हाई है, आखिरी में वो चीज़ ज़मीन में गड़ चुकी है, कि दिख ही नहीं रहा मोटिवेशन कहाँ, वैसे ढूंढे जा रहे हो मोटिवेशन कहाँ है, ठीक है। इस टाइम पे ना आपको सेल्फ कंपटीशन करना है, कि मैं इंक्रीज कर रहा हूँ या नहीं, पिछले टेस्ट में 580 थे, अब की बार 590 600 आए हैं या नहीं, ये नहीं देखना कि टॉपर के तो 680 आए हैं, मेरे तो 580 आए हैं, मेरे में तो जो है इतना गैप है, वो चीज़ नहीं। अभी आपको सेल्फ कॉम्पीट करना है, दूसरे के साथ कॉम्पीट करना कब, फाइनल एग्जाम में, ठीक है, वो कंपटीशन उस टाइम पे मैटर करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कंपटीशन नहीं कर रहे हो, दूसरे से कंपटीशन कर रहे हो, खुद को आप डिफीट में महसूस करवा रहे हो कि मुझसे तो नहीं हो रहा है, मैं तो क्या कर रहा हूँ, 10 ही नंबर बढ़ रहे हैं मेरे, तो 10 में क्या होगा मेरा, अगर 400 है और नेक्स्ट टेस्ट में 410 आए हैं तो वो ग्रोथ है, और ग्रोथ भी पॉजिटिव है, दैट इज़ गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपके पिछले टेस्ट में 580 थे, आपकी बार 560 आए हैं, दैट इज़ नेगेटिव ग्रोथ, जो कि हार्मफुल है, ठीक है। तो उससे आपको बच के रहना है। तो अभी सेल्फ कंपटीशन पे ध्यान देना है, मोटिवेशन अपना हाई रखना है, कोई भी पूरे दिन में 5-10 मिनट ऐसी चीज़ सुनो, ऐसे चीज़ बंदे से मिलो जिससे आप मिलके इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो, ये जो आपको मोटिवेट करता हो, कि होते हैं यार आपके लाइफ में कुछ लोग, मैं भी बताऊंगा कभी अपनी स्टोरी में, मैं किससे मोटिवेट हुआ और कौन मेरी लाइफ में ऐसे बंदे थे, मतलब एक नहीं था डेफिनेटली काफ़ी लोग थे, ठीक है, जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। तो उन बंदों से 5-10 मिनट रोज़ मिलो, ठीक है, खुद को इंस्पेक्ट करो खुद, कि मैंने आज क्या किया है, मैं कल क्या करने वाला हूँ, और मैंने परसों क्या किया था,
ठीक है। तो ये चीज़ मतलब खुद की अपने रोज़ की डायरी बनाओ, गोल्स बनाओ रोज़ की कि आज मैंने ये अचीव करना है, ये पढ़ना है, ये रीड करना है, ये टेस्ट देना है, इतने क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो वो एक अपनी लिस्ट बनाते हो रोज़ के लिए, और यार ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप कर लोगे अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। क्योंकि मैंने अचीव किया तो आप भी कर सकते हो। मैं कोई ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट ही था। इफ़ आई कैन डू देन यू कैन ऑल्सो डू, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अपकमिंग वीडियोज़ आई थिंक बुक्स के ऊपर होगी। आपने सजेस्ट मांगा था कि भाई बुक्स बताओ भैया कौन सी पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं, तो बुक्स पे बनाऊंगा मैं अगली वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।